दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने आसपास से मिक्स्ड ओपिनियन सुने होंगे कि यार ये एक डेट ट्रैप है, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इससे हमको बहुत अच्छे कैशबैक्स और रिवॉर्ड मिलते हैं, इसको यूज़ करना चाहिए। तो आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही दोस्तों क्वेश्चन का मैं एक डिटेल आपको आज आंसर मिल जाएगा क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में कि आपने इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस बताऊंगा, सेकंड में मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो दोस्तों आपको फ्यूचर में देखने हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपको 45 टू 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देता है। तो इसका दोस्तों बेनिफिट ऐसा हो सकता है कि जो आपका अमाउंट बैंक में पड़ा रहता है उस पर आपको एक्सेस इंटरेस्ट मिलता है। और अगर दोस्तों बहुत सारे लोग उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाते हैं कि उतनी अमाउंट जो है जितना क्रेडिट कार्ड से वो स्पेंड करते हैं उतना 45 डेज के लिए कहीं दूसरे चीज़ में लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल पाए। मैं पर्सनली दोस्तों मैंने ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट करके रखी है मेरे बैंक के अंदर, जिसमें ऑटोमेटिक मेरा एक थ्रेशोल्ड के ऊपर का जो अमाउंट है उस पर मुझे FD का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि क्या ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है तो मैं आई बटन में दोस्तों उसकी लिंक दे दूंगा, मैंने इसका इस पर एक वीडियो बनाया है विद लाइव एक्टिवेशन। अब सेकंड दोस्तों एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, वो है दोस्तों आपका क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट करता है। तो दोस्तों मेरा पर्सनली मेरा कोई दूसरा लोन नहीं है, जस्ट मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। और अभी मेरा जो करंट स्कोर है सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर जो है वो है 821, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और ये सिर्फ दोस्तों मैंने क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर यूसेज करके ही जनरेट किया है। एक दोस्तों इसका रूल होता है कि आपने 30% से ज़्यादा जो आपको क्रेडिट लिमिट असाइन की है बैंक ने, उससे ज़्यादा आपने उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपका क्रेडिट स्कोर रिवर्स भी जा सकता है। तो मैं इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करता हूँ तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा जनरेट हो गया। थर्ड जो दोस्तों इसका बेनिफिट आता है वो है आपका दोस्तों कैशबैक और रिवॉर्ड्स। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जैसे कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है जो आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक देते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। और अगर आप ट्रैवल करते हो तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवल कार्ड्स भी हैं जो आपको माइल्स में रिवॉर्ड करते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। फोर्थ जो बेनिफिट आता है दोस्तों ये आपको इमरजेंसी फंड जैसे एक्ट कर सकता है, जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़ी और आपके पास एक्सेस फंड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप उसको 45 दिन के अंदर उसको आप पे कर सकते हो, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस क्रेडिट कार्ड के। एडवांटेजेस सुन के दोस्तों आपको लगा होगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम सभी ने उसको बनवाना चाहिए। बट दोस्तों ये वन साइड ऑफ कॉइन था, अब मैं आपको बताऊंगा अदर साइड ऑफ द कॉइन जो कि है डिसएडवांटेज की। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है 40-45% दोस्तों आपको इंटरेस्ट लगता है अगर आप इसके ड्यू टाइम पे नहीं पे करते हो। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही हैवी अमाउंट है जो इंटरेस्ट की आपको लगती है और आपकी ये सेविंग पूरा इरोड कर सकता है। तो आपने ये इंश्योर करना चाहिए कि आप टाइम से इसके इंटरेस्ट भरते हो। सेकेंड जो दोस्तों आपका डिसएडवांटेज आता है ये आपका क्रेडिट स्कोर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि अगर आप इसका हाई यूटिलाइजेशन करते हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में समझाया था कि अगर आप 30% से ज़्यादा 30% तो ठीक है चलो 50% तक भी आपने कर लिया, बट अगर आप 90% तक यूटिलाइज करते हो उसकी लिमिट 95% करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। या फिर अगर आप ड्यू टाइम पे नहीं भरते हो तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट स्कोर गिरने ही वाला है। तो थर्ड अब आपको मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ कि दोस्तों कोई कोई जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं उसके एनुअल फीस बहुत हाई रहती है और उतना आप बेनिफिट उसका उठा नहीं पाते हो साल में, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फोर्थ जो दोस्तों आप इसका डिसएडवांटेज है वो है दोस्तों ये एक्सेस स्पेंडिंग प्रमोट करता है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे ऐसे कार्ड रहते हैं जो बोलते हैं कि हम आपकी एनुअल फी वेव ऑफ कर देंगे अगर आप 1 लाख का स्पेंड करते हो 2 लाख का स्पेंड करते हो, तो इस चक्कर में दोस्तों आप वो रिवॉर्ड पाने के लिए आप एक्सेस स्पेंडिंग कर लेते हो, तो ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है। तो दोस्तों हमने इसके हमारे 4 एडवांटेजेस देखे, 4 डिसएडवांटेजेस देखे। अब दोस्तों मैं फाइनली आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि आपने इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट पे,
अब मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो अगर आप ये चार चीज फॉलो करते हो। सबसे पहला है दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस होता है आपने उतना ही दोस्तों क्रेडिट कार्ड में यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक्सेस यूज़ करने जाओगे तो आप इसके ट्रैप में फंस सकते हो। सेकेंड दोस्तों है कि डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मिनिमम ड्यू पेमेंट। एक ऐसी फैसिलिटी दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर आपका बिल 1 लाख रुपीज़ का जनरेट हुआ है तो एक मिनिमम ड्यू फैसिलिटी होती है कि 10% आप पे कर दीजिए और रिमेनिंग बैलेंस आप नेक्स्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो दोस्तों आप इसके टाइम में बिल्कुल मत फंसना, आप पूरा जो बिल अमाउंट है वही आपने ड्यू डेट के अंदर आपने ये पे कर देना चाहिए, उसको आप मिनिमम ड्यू में मत जाना। थर्ड जो आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को आपने कैश विड्रॉल के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं आपको इन फ्यूचर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो क्रेडिट कार्ड से आपने यूज़ नहीं करनी चाहिए। फोर्थ जो आता है दोस्तों, आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड नहीं बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ शौक के तौर पर फैंसी लगता है इसके लिए 5-5, 10-10 क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और ऐसे बिछाएंगे, फोटो ले लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है दोस्तों, तो ये जितना मिनिमम रहेगा, अगर आपको आपका सिबिल स्कोर भी इम्प्रूव करना है तो आपका प्रॉपर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के बीच में मिक्स होना चाहिए। तो आपने ट्राई करना चाहिए मिनिमम से मिनिमम आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। और अगर आप बिगिनर हो तो आपने अगर आपको जानना है कि कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड है इंडिया में लाइफ टाइम फ्री वाले, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए, मैं इस पर आपका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आखिरी में दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलूंगा कि क्रेडिट कार्ड एक डबल एज स्वॉर्ड है, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो तो आप इसको बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हो तो ये आपके डिग्रोथ के लिए यूज़ होगा। तो इसको आप बिल्कुल संभल के यूज़ करना। थैंक यू।